WWE अब अपने पुराने अंदाज में आ चुका है और एक बड़ी कंट्रोवर्सी का आगाज होने वाला है। दोस्तों, सभी लोग मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए काफी ज्यादा उताव ले रहे हैं और मनी इन द बैंक में अब की बार वो होने वाला है जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब की बार WWE सबसे ज्यादा जिस चेहरे को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है वो है सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस की एंट्री बैक टू बैक रिंग में हो रही है और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है मनी इन द बैंक के हीरो सिर्फ सेथ रॉलिंस है। उन्होंने पास्ट में मनी इन द बैंक को हासिल किया था और वर्ल्ड टाइटल को अपने कब्जे में कर लिया था और अब ऐसा लग रहा है कि WWE अपनी हिस्ट्री को दोबारा क्रिएट करने वाली है। सभी यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर में जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक को हासिल कर लेंगे तब वो सीधा भिड़ने वाले रोमन रेंस के साथ, क्योंकि वर्ल्ड टाइटल की होड़ में सेथ रॉलिंस कभी भी पीछे नहीं हटते और इनकी पास्ट में भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी है वर्ल्ड टाइटल को लेकर रोमन रेंस के साथ। और रोमन रेंस अभी सेथ रॉलिंस से काफी ज्यादा दूर है क्योंकि रोमन रेंस के फिलहाल के करियर में मल्टीपल कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं बहुत सारे रेसलरों के साथ। अगर सेथ रॉलिंस के साथ अब टाइटल को लेकर कंट्रोवर्सी होगी तो रोमन रेंस काफी ज्यादा हड़बड़ा जाएंगे क्योंकि मनी इन द बैंक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे रेसलर कभी भी कहीं भी वर्ल्ड टाइटल को हासिल कर सकता है दूसरे रेसलर को टैप आउट से हराकर। मगर ये देखने में मजा आएगा कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को किस तरह से अपने से दूर रख पाएंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट वाले रेसलर हैं। अगर उनके हाथ मनी इन द बैंक लग गई तो वो बड़ी ही फुर्ती और तेजी के साथ वर्ल्ड टाइटल के पीछे पड़ जाएंगे और रोमन रेंस जहां जाएंगे वहां सेथ रॉलिंस मौजूद रहेंगे और वर्ल्ड टाइटल के लालच में वो रोमन रेंस को तंग करेंगे जिससे रोमन रेंस का पेशेंस लेवल बिगड़ जाएगा और वो गलती भी कर सकते हैं जिससे सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल को अचीव कर लेंगे। मगर सबसे बड़ी बात ये होगी कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक के रिजल्ट का इंतजार करेंगे या पहले ही उनके मैच में दखल अंदाजी कर देंगे क्योंकि उनको भी अपने टाइटल का खतरा रहेगा और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट में अब रोमन रेंस को कुछ भी काम नहीं दिया गया है वो इस कॉन्ट्रैक्ट से काफी ज्यादा दूर दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर सेथ रॉलिंस के हाथ मनी इन द बैंक लग गई तो क्या वो रोमन रेंस को हराकर वर्ल्ड टाइटल अचीव कर लेंगे या फिर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को धूल चटा देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।